टू इंक्रीज व्यूज ऑन रील्स, ये आप बहुत बार सर्च कर चुके हैं यूट्यूब, लेकिन आपको अभी तक वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो में जेन्युइन तरीके से बात करेंगे किस तरह अपने वीडियोज पे जेन्युइन तरीके से अच्छे खासे व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा एल्गोरिथम को, आखिर वो किस तरह की वीडियो पे व्यूज देता है और लॉन्ग टाइम तक व्यूज आपको क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब सारा चीज आपको जानना पड़ेगा। वीडियो नंबर वन ट्रिक्स की बात करते हैं, अगर आपको 1000 से नीचे व्यूज चाहिए तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन में वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। 500 से नीचे व्यूज चाहिए तो रेगुलर पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको 500 से ऊपर व्यूज चाहिए तो एक दिन गैप छोड़ के। अगर आपको 1000 से ऊपर व्यूज चाहिए तो चार दिन मैक्सिमम गैप लेना पड़ेगा। फॉलोवर्स अभी 10,000 से नीचे हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए फायदेमंद है और आप पे ये बिल्कुल सेट कर जाएगा। अगर आपके 10,000 प्लस फॉलोवर हैं तो आप रेगुलर जितनी वीडियो डालो उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, व्यूज आपको अच्छे खासे मिल ही जाएंगे। सेकंड नंबर टिप्स की बात करें तो 5 ट्रेंडिंग सॉन्ग को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन अब करना क्या, सॉन्ग को क्लिक करके देखना कितने वीडियोज बने हैं और उसे एक घंटे बाद देखना है। सभी सॉन्ग को एक घंटे पहले देख लीजिए कितने वीडियोज बने हैं उस सॉन्ग पे, देन उसके बाद एक घंटे बाद फिर देखिए जिसमें 50 से 60 प्लस रील्स बढ़ चुके हैं, यानी 50-60 प्लस रील्स ज़्यादा बन चुके हैं उन सभी सॉन्ग में से, सभी ट्रेंडिंग सॉन्ग में से। तो उस सॉन्ग पे आपको ट्रैक कर लेना है एक बार रील्स, तो उन सॉन्ग पे आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग पे एक रील्स बनाना है जिसपे काफ़ी स्पीड में रील्स बनती जा रही है। ट्रेंडिंग की बात करें तो कंटेंट हमेशा ऐसा बनाइए जो क्लिक बेट रहे पूरा। क्लिक बेट के लिए आप किसी लड़की की यूज कर सकती हो, करते हो जो मॉडल होती है, जो कभी कोई प्रोग्राम में काम करती है, तो उसके साथ आप 5 से 7 रील्स क्रिएट कर सकते हो और वो रील्स आपका काफ़ी फ्रेश क्वालिटी में होना चाहिए, क्योंकि अभी लोग क्लिक बेट कंटेंट पे काफ़ी वॉच टाइम दे रहे हैं। तो वॉच टाइम उसी टाइप की वीडियो पे जब मिलेगी तो आपको उन्हीं टाइप की वीडियो को क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपका एक बार 1 से 2 वीडियो जब आपका वायरल हो जाएगा तो आपके अकाउंट पे अचानक से रीच आना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी बात करें तो वीडियो में व्यूज लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान इफेक्ट का भी होता है, तो आपको ट्रेंडिंग इफेक्ट यूज करना और वैसा इफेक्ट यूज करना जो आपके वीडियो में सूटेबल हो और क्वालिटी भी ना फटे। इसमें टिप्स की बात करें तो वीडियो हमेशा आपको फीड में शेयर करना है, फीड में शेयर करना है ताकि आपकी वीडियो जो है आपके प्रोफाइल में भी दिखे और रील्स वाले सेक्शन में भी दिखे। सिक्स नंबर टिप्स की बात करें तो वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने ऑडियंस को मॉर्निंग में स्टेटस के माध्यम से बता देना कि आज मेरी वीडियो शाम के टाइम में आने वाली है। जितने भी सुबह आपके ऑडियंस हैं वो आपके वीडियो का वेट उस टाइम में करेंगे जिस टाइम आपने वार्निंग दे दिया, नोटिफिकेशन दे दिया। तो वहाँ से जब आप वीडियो पोस्ट कीजिएगा तो अचानक से आपके अकाउंट पे थोड़ा सा रीच मिलेगा। जब आपके ऑडियंस का रीच मिलेगा तो रील्स की तरफ से भी अपना एक रीच मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक वहाँ से आपके व्यूज अच्छे खासे आना स्टार्ट हो जाएंगे। 7 नंबर टिप्स की बात करें तो वीडियो अपलोड करने के बाद अपने दूसरे आईडी से करना कि आपने वीडियो को 50 बार प्ले करना है। ये भी आप ध्यान से सुनिए, अपने वीडियो को 50 बार प्ले करना है और वॉच टाइम देना है, देन कमेंट भी करना है, उस वीडियो को शेयर भी करना है, उसका लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना सभी ग्रुप में। क्योंकि शुरुआती का जब आपके वीडियो का रीच सही रहेगा तो 1 से 2 दिन के अंदर उस वीडियो में 2000 से 4000 प्लस व्यूज आने के चांसेस बन जाते हैं। 8 नंबर टिप्स की बात करें एक्सपेरिमेंट इफेक्ट के माध्यम से करना है, अपने कपड़े के माध्यम से, अपने बैकग्राउंड के माध्यम से, अपने इफेक्ट के माध्यम से, अपने हैशटैग के माध्यम से, इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहना है, देन उसके साथ पोस्ट करना, तब आप जल्दी से आगे बढ़ सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़ सही वीडियो को सही चल पे नहीं हो तो इनको सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।